हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुक विद मी। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं एक फ़ास्ट फूड की रेसिपी लेकर आई हूं और ये है चीज़ बर्गर। तो बर्गर एक ऐसी फ़ास्ट फूड है जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है। साथ के साथ हम कभी भी बाहर जाते हैं तो बर्गर जो है ये हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहती है और हमें बर्गर बाहर जाकर खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो क्यों ना हम ये घर पर ही बना कर खाएँ। और ये बर्गर जो है आप अपने घर पर अच्छे से बना कर खा सकते हैं और इसका जो टेस्ट है बिल्कुल बाहर वाले बर्गर की तरह ही आएगा। और साथ के साथ आप अपने घर पे कभी भी ये बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बर्गर के लिए बर्गर बन ले लिए हैं और इसके बाद मैंने यहाँ पर जो ये पोटैटो है ये मैंने बॉईल करके रख लिया था। और यहाँ पर मैंने ये मटर ले ली है थोड़ी सी, इसके मैं पैटी बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अदरक जो है 1 इंच का टुकड़ा, इसको मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया था। और इसके साथ साथ मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ले ली थी, इनको भी मैंने चॉप्ड कर लिया है। और साथ के साथ बर्गर के ऊपर रखने के लिए टमाटर और प्याज जो हैं ये मैंने स्लाइसिस में कट करके रख लिए हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीज़ें ले ली हैं, ये है मैंने मेयोनीज़ लिया हुआ है और मैंने यहाँ पर तंदूरी मायो ली हुई है। तंदूरी मेयोनीज़ मैं इसमें यूज़ करूँगी, इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा लगता है। साथ के साथ चीज़ स्लाइसेस ले लिए हैं। और अब मैं यहाँ पर पहले जो ये बर्गर की पैटी है इसको बनाने के लिए मैं सबसे पहले कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था और इसमें मैंने ये जो मैंने जिंजर काट के रखी हुई थी ये मैंने इसमें ऐड कर दी। उसको मैं हल्का सा सौते कर लूँगी। तो अदरक को मैंने हल्का सा सौते कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें ये हरी मिर्च है ये मैंने इसमें डाल दी और इसको भी मैं 2 से 3 मिनट तक हल्का सा सौते कर लूँगी। और इसके बाद मैं इसमें मटर डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें मटर भी डाल दी है और मटर को मैं हल्का सा भून लूँगी ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और जब हम मटर पैटी में यूज़ करते हैं, आप बाहर जाते होंगे तो आप जब बर्गर किंग का बर्गर खाते हैं या मैकडी का बर्गर खाते हैं तो उसमें जो मटर का फ्लेवर आता है बिल्कुल वैसा ही आप अपने घर पे भी बनाकर खा सकते हैं। तो आप इसमें मटर ज़रूर डालें, इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है पैटी में। तो मटर को यहाँ पर मैं हल्का सा सौते कर ले रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें मैश्ड किए हुए आलू डालूँगी। तो आलू को डालने के बाद मैं यहाँ पर इस तरीके से मिक्स करके चला ले रही हूँ ताकि मटर और आलू जो है ये अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। और इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ इसमें मसाले डालूंगी। तो मसाले में मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून मैं इसमें गर्म मसाला डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। तो 1/2 टीस्पून मैं इसमें जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ और साथ के साथ मैं इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसमें थोड़ा सा मैं चाट मसाला ऐड करूँगी। तो सारे मसाले डालने के बाद मैं इसे अब अच्छे से मिक्स करके चला लूँगी और मसाले के साथ जो हमारी जो आलू और ये मटर है अच्छे से मस्त एकदम मिक्स हो जाएंगे और इसके बाद हम इसकी पैटी बनाएंगे। तो बस यहाँ पर इस तरीके से मैं अब अच्छे से मिक्स करके चला लूँगी ताकि जो मसाले हैं वो भी हमारे बहुत अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाएं और थोड़े से वो भुन भी जाएं। तो साथ के साथ मैं यहाँ पर इस तरीके से मसालों को मिक्स कर ले रही हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून अरारोट ऐड कर रही हूँ। और जब हम अरारोट डालते हैं इसमें तो जो टिक्की होती है या पैटी होती है बहुत अच्छे से बनकर आती है क्योंकि ये बैंड बहुत अच्छे से हो जाती है अरारोट के साथ। तो इस तरीके से जो आलू है वो फटता भी नहीं है और बहुत अच्छी टिक्की बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इस थोड़े थोड़े से हिस्सों में लेकर मैं यहाँ पर जो पैटी है बर्गर की वो तैयार कर लूँगी। तो बस इस तरीके से मैं एक एक करके ये जो पैटी है या आप टिक्की कह लीजिए, आलू टिक्की, ये मैं तैयार कर ले रही हूँ। तो बर्गर की पैटी जो है ये मैंने तैयार करके रख ली है और इसके बाद मैंने गैस पे ये फ्राई पैन रख दिया है। मैं यहाँ पर डीप फ्राई नहीं करूँगी टिक्कियों को क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऑयली कम यूज़ करूँगी और मैं इस तरीके से सैलो फ्राई करूँगी। और जब आप ऐसे भी टिक्की बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनकर आएगी, ऐसा नहीं है कि आप डीप फ्राई करें तभी टिक्की बहुत अच्छी बने। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर हल्का सा ऑयल डाल के इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया था और इसके बाद मैं इस पर ये चारों जो टिक्की हैं या पैटी हैं ये मैं इनके ऊपर रख के इनको हल्का सा सैलो फ्राई कर लूँगी। तो
एक तरफ से हमारी जो टिक्की है ये पैटी है ये सिक चुकी है, तो मैं इन्हें अब एक करके पलट के सेक लूँगी और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है, ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने लग रही हैं साथ के साथ, ये बहुत अच्छी सिक भी रही हैं। तो इस तरीके से जब आप सैलो फ्राई करते हैं तो एक तो ये ऑयल कम यूज़ होता है इसमें, और जिनको ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं पसंद होता है वो इस तरीके से भी फ्राई करके टिक्की जो है प्रॉपर वैसी ही बना सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑयल कम यूज़ करती हूँ और ये अनहेल्दी भी नहीं है और खाने में भी उतना ही अच्छा टेस्ट आता है इसका भी। तो इस तरीके से चारों तरफ से मैं अच्छे से टिक्की को जो है ये फ्राई कर लूँगी, और आप देख सकते हैं इनकी जो पैटी है ये भी प्रॉपर ऐसी ही बनेगी और ये डीप फ्राई भी नहीं होती है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका भी। तो पलट पलट के मैंने चारों तरफ से टिक्की को जो है ये सेक लिया है और इसके बाद मैं अब बर्गर बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो बर्गर है इनमें एक तरफ जो तंदूरी मायो ली हुई है मैंने, ये मैं इसमें लगाऊंगी स्प्रेड करके अच्छे से, और एक तरफ मैं इसमें मेयोनीज लगाऊंगी। तो बन पे मैंने जो मेयोनीज है ये स्प्रेड करके लगा दी है, इसके बाद मैं ये जो टिक्की है ये मैं इसके ऊपर रख रही हूँ और बस इस पर मैं एक स्लाइसेस दो स्लाइसेस आपको जिस तरीके से टमाटर और प्याज चाहिए आप उसको लगा के इसके ऊपर रख दें। तो बर्गर में आप अपने हिसाब से ऐड ऑन भी कर सकते हैं, अगर आपको लेटस पसंद है तो आप वो भी लगा सकते हैं और आपको इसमें क्यूकम्बर भी लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपली आपको आलू टिक्की बर्गर बनाकर दिखाया है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ टमाटर और प्याज के स्लाइसेस लिए हुई हैं और ये मैंने यहाँ पर रख दी हैं, और उसके बाद थोड़ी सी मैं इसमें मेयोनीज ऐड करूँगी ऊपर से भी, क्योंकि हमें चीज़ी बर्गर बनाना है तो ऑब्वियसली हम थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें यूज़ करेंगे। और इसके बाद मैंने ये चीज़ स्लाइस रख दी है इसके ऊपर और मैं अब यहाँ पर बर्गर जो है बनकर रेडी हो चुका है और ये खाने में उतना ही यम लगता है। तो मैंने यहाँ पर बाहर वाले स्टाइल में आलू टिक्की बर्गर जो है ये आप लोगों के लिए बनाकर दिखाया है, और आप अपने घर में बच्चों के लिए भी इसे बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसका टेस्ट भी बिल्कुल बाहर वाले मैकडी वाले बर्गर की तरीके से ही आप लोगों को लगेगा। तो मेरी बर्गर की रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।